तो टीम इंडिया की अब बात करते हैं। वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए टीम इंडिया तैयार है। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेला जाना है। टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में मौजूदा वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है और अपने सभी 9 के 9 मैच जीते हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि टीम अपने इस प्रदर्शन को जारी रखेगी। दूसरी तरफ केन विलियमसन की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम ने अपने शुरुआती 4 मैच जीते थे, लेकिन इसके बाद लगातार 4 हार के बाद टीम की लय बिगड़ गई थी। लेकिन कीवी टीम ने अंतिम मैच में जीत के साथ नॉकआउट राउंड में जगह बनाई। भारतीय टीम पिछले 2 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से आगे बढ़ नहीं सकी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या 12 साल से फाइनल में पहुंचने का इंतजार अब खत्म होता है या नहीं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो इस मैच में शायद ही कोई बदलाव हो। टीम 6 बैटर और 5 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। मौजूदा टीम की बात करें तो विराट कोहली ही वानखेड़े में शतक लगा सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर से उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी। और चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं, शिव कुमार आगरा से हमारे साथ मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड से हमारे साथ सतेंद्र बर्तवाल भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु का रुख करते हैं, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, नोएडा में कैसी है तैयारी आज के मैच को देखने के लिए? और सेलिब्रेशन की भी लोग पहले ही तैयारी कर लेते हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि 12 सालों का जो इंतजार है वो क्या आज खत्म हो जाएगा, यानी कि फाइनल में टीम इंडिया पहुंच जाएगी? ये एक बड़ा चैलेंज भारतीय टीम के लिए और साथ ही साथ उत्साह का दिन भी। देखिए, जाहिर तौर पे उत्साह का दिन है और तमाम सेलिब्रेशन के साथ ये फैन खड़े हुए हैं और भारत का झंडा फहरा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो आज मैच होना है इसमें एक बार फिर से फतह होगी। और सबसे पहले बात करते हैं, जीआईपी मॉल में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। त्यागी जी, ये आज भारत का मैच है, बड़ा महत्वपूर्ण मैच है, कैसे देख रहे हैं एज अ फैन? देखो, एज ए फैन मैं चाहूंगा कि भारत न्यूजीलैंड को बुरी तरह शिकस्त दे और जीआईपी मॉल में जो बड़ी स्क्रीन लगी है यहाँ पे हम पूरा लुत्फ लें और उम्मीद करते हैं भारत अच्छा प्रदर्शन करके न्यूजीलैंड को बुरी तरह रौंद देगा। फेवरेट प्लेयर कौन सा है, कौन आज अच्छा परफॉर्म करने वाला है? आज कोहली का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और रोहित शर्मा का भी, और श्रेयस अय्यर जिस हिसाब से खेलते हैं कोशिश करते हैं, आज का उम्मीद ये रहेगा सूर्य कुमार यादव जी से भी कि अच्छा परफॉर्मेंस दे क्योंकि उसका यही देखने वाले हो। जी जी बिल्कुल, यही क्या लग रहा है सर, आज कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। बढ़िया, क्या बैटिंग बॉलिंग? विराट कोहली। मैं तो चीज ये देख रहा हूँ कि 9 से बाद हमें 11 लगातार जीत हासिल करनी है और वर्ल्ड कप उठा कर लाना है, वर्ल्ड कप उठा के लाना है, वर्ल्ड कप लेके आना है। बिल्कुल, तो एक्साइटेड है इस बार मैच को? बिल्कुल, वर्ल्ड कप ज्यादा। तो जाहिर तौर पे देखिए तमाम लोग हैं, सब लोग एक्साइटेड भी हैं, कितना एक्साइटमेंट है आज? बहुत बहुत ज्यादा, और खुशी भी इस बात की है कि आज एक हिसाब किताब भी बराबर करनी है हमें न्यूजीलैंड के साथ। हिसाब किताब बराबर करना है आज, हिसाब किताब? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल करना है। कितने एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा। तो जाहिर तौर पे देखिए यहाँ माहौल बन चुका है, 2 बजे से मैच है, तमाम लोग धीरे धीरे जुटने लगे हैं और इस समय मॉल में मौजूद है। इंडिया 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 इंडिया। जाहिर तौर पे इस तमाम लोग यहाँ मौजूद है और धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी है क्योंकि 2 बजे से मैच है और ऐसा माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे क्योंकि एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और आप देखेंगे यहाँ पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। निजी मॉल में हम मौजूद है और यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी ठीक है, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। नोएडा के बाद अब रुक कर लेते हैं, हिमांशु शुक्ला से हमने जानकारी ले ली है और मुंबई से प्रशांत पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही आज ये मैच खेला जाना है। तो प्रशांत, आज के दिन एक्साइटमेंट क्रिकेट प्रेमियों में भी है और क्रिकेटर्स में भी जाहिर तौर पर एक थोड़ा सा दबाव आज के दिन रहेगा क्योंकि उम्मीदें लोगों की बहुत ज्यादा है आज के दिन। तो आज के दिन किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं प्रशांत? तो लगता है प्रशांत तक आवाज नहीं मिल रही है। संकेत मिश्रा से संकेत मिश्रा के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, आपके पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं, क्रिकेट प्रेमी दिख रहे हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए, आज के मैच को लेकर कितना एक्साइटेड है? बिल्कुल, हम इन तमाम क्रिकेट प्रेमियों से बात करते हैं, लखनऊ से हैं ये। कितना उत्साहित हैं आज के इस मैच को लेकर?
भाई उत्साहित तो जबरदस्त है, क्योंकि सेमीफाइनल मैच है। सेमीफाइनल मैच अगर यहाँ दोनों टीमें पहुंची हैं तो जाहिर सी बात है इनका इन्होंने अच्छी प्रतिभा दिखाई है, और कोई टीम अगर सेमीफाइनल पहुंच रही है तो अच्छा परफॉर्मेंस इनकी टीम, दोनों टीमें जो हैं बैट्समैन ऑलराउंडर हैं। यहाँ इंडिया की टीम में भी ऊपर से लेकर नीचे तक बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर बैट्समैन ही बैट्समैन, आप समझिए, ये नहीं सोच सकते हैं कि आप ये पांच बैट्समैन है नीचे तक की आप देखिए। किससे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं इस बार, किस खिलाड़ी से उम्मीद? तो देखिए इस समय शुभमन गिल हैं, रोहित शर्मा है जो अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव को मौका बीच में नहीं मिल पा रहा है, मगर सूर्य कुमार यादव अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने उनको देखा है जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो बड़े मैच में ही चलते हैं, सेमीफाइनल हो या फाइनल हो इन्हीं मैच में चलते हैं सूर्य कुमार यादव है। नीचे देखिएगा आप रविंद्र जडेजा है जो कि अच्छी पार्टनरशिप होने की आशंका है, और बॉलर आप देखिए नीचे हमारे स्पिनर्स जो हैं कुलदीप यादव हैं, देखिए ये लोग फंसा के रखेंगे फिरकी के जादू में। जडेजा हैं, कुलदीप यादव हैं, दोनों लेफ्ट आर्म हैं, और जानते हैं लेफ्ट आर्म अगर बांध करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक अगले बैट्समैन को बांध के जरा से भी लापरवाही होगी तो विकेट निकलेगा, बिल्कुल विकेट निकलेगा। और बिल्कुल, और आज के दिन लापरवाही की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक्साइटमेंट तो लोगों में है, एक्साइटमेंट तो क्रिकेट प्रेमियों में है, लेकिन जो 12 साल का सूखा है, कह सकते हैं कि जो फाइनल में ना पहुंचने की 30 भारतीयों के मन में रह जाती थी वो कहीं ना कहीं आज नहीं रहनी चाहिए, ये तो लोग मानकर चल रहे हैं। प्रशांत पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही ये मैच खेला जाना है, कितनी एक्साइटेड है मुंबई की जनता? बिल्कुल, देखिए अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो यह तस्वीर काफी कुछ बताने के लिए तैयार है कि 12 साल बाद एक बार फिर से टीम इंडिया सेमीफाइनल में और फाइनल में जा करके जीत करके कप उठाने की तैयारी में है। कुछ लोग जो है महाराष्ट्र के कोने कोने से आए, लेकिन मैं आपको मिलाता हूं कि एक खास व्यक्ति जो खुद उत्तर प्रदेश से पैदल चलकर इस मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए? मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर, मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से पैदल चल के पहुंचा हूं, 9400 किलोमीटर पैदल चल चुका हूं। और फिलहाल मेरा जो थीम है ये है ICC 2023, इस बार वर्ल्ड कप भारत तो लाएगा, लेकिन भारत हर घर एक पेड़ भी लगाएगा, तो हर घर हरियाली का एक प्रोग्राम भी फिलहाल यहाँ से हम लेके आए, और फिलहाल अभी इंडिया को चीयर करने के लिए हम वानखेड़े स्टेडियम में पहले पहुंचे हैं, और मैं चाहता हूं कि फिलहाल आज इंडिया इसको क्वालिफाई करे, हम अहमदाबाद जाए, अहमदाबाद पहुंचने के बाद 2023 में इतिहास रचें, और रोहित शर्मा की कप्तानी में ये तीसरा वर्ल्ड कप भारत में आए, और फिलहाल इसी चीज को लेके 142 करोड़ की जो जनसंख्या है वो भी उम्मीद लगाए बैठी है, हम तीसरा इतिहास। यहाँ से जब सेमीफाइनल टीम इंडिया जीतेगी तो फाइनल गुजरात में होना है, तो वहाँ भी पैदल जाएंगे? बिल्कुल, पूरा पैदल चल के चलूंगा, पूरा पैदल जितने भी मैचेस हो रहे हैं सारे मैचेस को हम पैदल कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी फिलहाल मैं पैदल यहाँ पहुंचा हूँ, इसके बाद वहाँ पैदल पहुंचने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए निकलूंगा, इसकी वजह से क्वालिफाई होगी, अगर आज निकल कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो देखिए ये अलग रूप रंग है, कुछ लोग जो है उत्तर प्रदेश से आए, तो मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ, ये आप तस्वीरें देखें तो वानखेड़े स्टेडियम के बिल्कुल बाहर अलग माहौल लगा हुआ है, अलग तरीके से लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोग हैं इस तरफ भी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ इस तरफ का माहौल, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। आप देखें तो वानखेड़े स्टेडियम के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, किसी भी गाड़ी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है बिना जाँच पड़ताल के, यानी यहाँ पर जब टीम दोनों पहुंचेगी, भारत टीम और साथ ही साथ न्यूजीलैंड की टीम, ये एंट्रेंस मेन है वानखेड़े स्टेडियम का, जहां बैरिकेटिंग लगा करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, और एंट्री जो है अभी से दे दिया गया है ताकि लास्ट मोमेंट पर बहुत ज़्यादा लोग यहां पर इकट्ठा ना हो और भीड़ इकट्ठा ना हो, और जो लोग चाहने वाले, आप देखिए स्टेडियम के बाहर तो भारी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं, मैं आपको इस तरफ लेकर चलता हूं, तो बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं यहां पर क्रिकेट प्रेमी मैच देखने के लिए, और एक्साइटमेंट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए है। अच्छा, अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, सत्येंद्र बर्तवाल यहां से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, उत्तराखंड में किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेमियों में आज के मैच को लेकर? बिल्कुल, खासा उत्साह उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। अभी मैं एक एकेडमी में, एकेडमी में कुछ यहाँ पे लोग हैं क्योंकि आज भाई दूज का भी त्यौहार है, इसलिए काफी लोग यहाँ से अभी जा चुके हैं, अभी कुछ युवा हैं। आज की उम्मीद क्या लग रही है आपको, सेमीफाइनल है, किस तरीके से देखते हैं? आज इंडिया ही जीतेगी वैसे तो, लेकिन न्यूजीलैंड से हमेशा दिक्कत हो जाती है, पिछली बार भी सेमीफाइनल में इंडिया न्यूजीलैंड से हारी थी, मगर इस बार इंडिया अनबीटेबल रही है, तो मेरे हिसाब से इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी कुछ मैच हार चुकी है इस वर्ल्ड कप में, तो क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो कितना एक इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करेगी। इंडिया वैसे अभी तक इस वर्ल्ड कप में अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, तो मुझे जहां तक लगता है सेमीफाइनल में भी वही जीतेगी। बिल्कुल, किस तरीके से देखते सर, आपने अभी पूरा वर्ल्ड कप सीरीज देखी है, तो क्या कुछ लगता है इंडिया के लिए इस टाइम?
सर इस बार इंडिया का बहुत अच्छा चांस है और अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, पर थोड़ा न्यूजीलैंड के साथ ऐसे रहता है जैसे पास रिकॉर्ड रहे हैं तो उसको देख के थोड़ा रहेगा। जैसे मैं उसमें इंस्टाग्राम में भी एक वो पढ़ रहा था। बिल्कुल, आपके पास दोबारा लौटेंगे। शिव कुमार भी आगरा से जुड़े हुए हैं, आगरा में ताजनगरी आगरा में किस तरह से उत्साहित है लोग वो भी देख लेते हैं आज के मैच को लेकर। शिव कुमार, आपके आसपास लोग हैं तो उनसे बातचीत भी कीजिएगा और आज के दिन किन किन खिलाड़ियों से उम्मीदें लगाए बैठे हैं वहां पर क्रिकेट फैंस? बिल्कुल, अगर उत्साह की बात की जाए तो आगरा की जनता में नहीं पूरे देश की जनता में आज उत्साह है, क्योंकि आज सेमीफाइनल मैच है पहला भारत का और न्यूजीलैंड के बीच ये होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से लगातार इंडिया अपना बेहतर प्रदर्शन दे रही है, 9 की 9 मैच उन्होंने जीत लिए हैं और उसके बाद आज ये सेमीफाइनल की बारी है, ये भी जीतेगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। बताइए आज किस प्लेयर के ऊपर आप उम्मीद जता रहे हैं? रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, शुभम गिल है, विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि भारत जीतेगा। अच्छा, ये बताइए कि बॉलर की बात करें तो बॉलर कौन कमाल करेगा? आप बताइए कि बॉलर कौन कमाल करेगा? जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, सारे बॉलर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। किस तरीके से जो प्रदर्शन चल रहा है क्या इस बार? इस बार पूरी टीम इंडिया ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, पूरी टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर रही है और ये हमने देखा भी है, पिछले 9 के 9 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और अभी तक अजेय रही है वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम। वक्त एक सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन को 3 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन जहां से ऑपरेशन शुरू किया गया था स्थित वहां पर आज ही है, यानी कि स्थिति आज भी वही की वही खड़ी हुई है। ऐसे में घटनास्थल पर पहुंचे हुए परिजनों का धैर्य भी अब जवाब देने लगा है, जिसको लेकर साथी मजदूरों और परिजनों ने वहां पर जमकर हंगामा किया है। मौके पर मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कर्मचारियों और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोगों से धक्का मुक्की की है। परिजनों का कहना है कि एजेंसियां सिर्फ दिखावा कर रही है और मौके पर कुछ काम नहीं हो रहा है। तो सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त और एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। आप देखिए किस तरह से परिजनों का धैर्य अब जवाब देने लगा है और उन्होंने आक्रोश जाहिर किया है, अपना आक्रोश जताया है। 4 दिन से सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं 40 मजदूर और आज 4th दिन है। ऐसे में अब जो मजदूर हैं उनके परिवार वाले भी वहां पर पहुंच गए थे कि उन्हें उम्मीद है जल्द से जल्द उनके परिजनों को निकाल लिया जाएगा। बलबीर परमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। बलबीर, ये तो जाहिर सी बात है कि अब एक वक्त के बाद परिवार वाले भी ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द हमारे परिजनों को निकाला जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है और जिसकी वजह से अब आक्रोश भी उन्होंने जाहिर किया है। प्रशासन क्या कह रहा है, कब तक निकाल लिया जाएगा, कितना और वक्त लगेगा अभी इस ऑपरेशन में? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी समस्या है कि 76 घंटे का समय बीत गया है और अभी तक जो प्रशासनिक अधिकारी जिनका काम था फीडबैक देना कि कितना समय लग सकता है, क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर मशीन खराब हो गई है और उसके बदले कौन सी मशीन यहाँ पे मंगाई जा रही है, क्योंकि हम टनल के पास खड़े हैं और टनल के अंदर इसमें बताया जा रहा है कि काम नहीं चल रहा है। जो मजदूर है, जो प्लेटफॉर्म कल बनाया गया था उसी को हटाया जा रहा है। तो पिछले 76 घंटे में कह सकते हैं कि जहाँ पे स्थिति पहले दिन थी वही स्थिति अभी भी बनी हुई है, जिसका नतीजा है कि जो यहाँ पे मजदूर है, जो परिजन है, उन पे नाराजगी है और इस तरह घेराव और झड़प पुलिस वालों के साथ वो करते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इनके आक्रोश भी जरूरी है और ये इसलिए आक्रोशित है कि 76 घंटे का समय बीत गया है और जो इनको जब इनके इनको लग रहा है कि कुछ अंदर नहीं हो रहा, इसी के चलते ये लोग अब प्रदर्शन पर उतारू हो गए हैं और लगातार ये जो मांग कर रहे हैं कि जो कंपनी है उसके जो मैनेजर है, जो GM है, NHI DCL के जो अधिकारी है, वो सामने आए, वो हमें बताएं कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि 40 जिंदगियां सुरंग के अंदर फंसी हुई है, उनकी क्या कंडीशन है, किस तरह के हालात उनके सामने है, वो पूरा ये लोग उस अपने अपने साथियों के लिए अब लड़ रहे हैं। और लगातार कल के बाद आज की हम बात करें तो कल के बाद क्या कोई अपडेट किसी प्रशासनिक अधिकारी ने दी है, क्योंकि कहा जा रहा था कि बलबीर कहा यह जा रहा था कि जो सुरंग है, जो निकाली जा रही है, जो आर्टिफिशियल सुरंग जिसके जरिए निकाला जाएगा, उसमें भी बोरिंग का काम 1 घंटे में कुछ मीटर तक का दायरा कवर कर लिया जाएगा। और ये तस्वीरें जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, यहां पर आप देखिए किस तरह से झड़प हो रही है और
इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना आक्रोशित परिजन है। बलबीर परमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलबीर, जानकारी दीजिए, अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है और अभी मौजूदा वक्त में क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अभी इसमें हालात यह है कि जो मजदूर है, जो परिजन है, पूरी तरह से घेराव टनल के बाहर किया हुआ है। यहाँ पे जो आईटीबी के जवान वो लगातार बात कर रहे हैं उनसे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह बीतता जा रहा है, उससे जो यहाँ पे जो लोग हैं, जो मजदूर है, आक्रोश जा रहे हैं मजदूर, और 76 घंटे कम नहीं होता है। हमने पूरे हम लगातार ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि बलबीर मजदूरों के परिवार वालों से अगर बात हो पाए तो उनसे बातचीत कीजिएगा। हम समय काफी यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम क्या है? अभी है क्या कहना है आप? क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा है? तो वो आएगी तो 5 घंटे में उसका निकाल। अभी आपका क्या कहना है, क्या मांग है? मांग यही सर कि जल्द से जल्द हमारे आदमी को, हमारे परिवार को बाहर निकाला जाए। बहुत सारा टाइम हो गया सर, उसको ऑक्सीजन प्रॉब्लम, खाना का प्रॉब्लम हो रहा है, इम्यूनिटी आ रहा है, गैस लग गया है, अंदर का क्या सिचुएशन है, क्या हाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अधिकारी क्या बता रहे हैं? अधिकारी तो दिलासा दिला रहा है, इसका कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हमारा जो एक मिशन फेल हो रहा है करके अगला मिशन रेडी करके रखना है, ये हिल एरिया है सर, कोई भी गाड़ी आने। जो अभी अभी जो एनएचआई डीसीएल जो जो कंपनी के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है और यहाँ पे पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है कि स्थिति पे वो पाने का प्रयास लगातार जा रही है। और 6 घंटे का समय बीत चुका है। बिल्कुल, तो जो आश्वासन दिया जा रहा है वो आश्वासन नाकाफी साबित हो रहा है। यहाँ पर आप जानकारी लगातार हमें दे रहे थे, बहुत शुक्रिया बलबीर परमार इस तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है।